शिव दीक्षा। यदि आप कैवल्य मोक्ष के आकांक्षी हैं और इसी जन्म में धर्म, अर्थ, काम के साथ साथ जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं, तो भगवान शिव की शरण में जाकर उन्हें अपना गुरु बनाएं। भगवान शिव को गुरु बनाने का आशय ये नहीं है कि आप अपने वर्तमान गुरु को त्याग दें अथवा आप भगवान शिव से भिन्न जिस किसी भी देवी देवता की उपासना करते हैं उन्हें छोड़ दें अथवा शिव दीक्षा के बाद कोई गुरु न बनाएं। क्योंकि धर्मशास्त्रों के मतानुसार मनुष्य को गुरु बनाना आवश्यक है, किंतु कलिकाल में मोक्ष प्राप्ति के लिए ब्रह्मज्ञानी गुरु का मिलना संदेहास्पद है। अतः प्रश्न ये उठता है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद यदि हमें ये देव दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त हुआ है तो हम मोक्ष प्राप्ति के लिए संदेहास्पद मार्ग का चयन क्यों करें? तो आइए मोक्ष प्राप्ति के समाधान हेतु भगवान शिव के समक्ष इस संकल्प को दोहराकर उन्हें अपना गुरु स्वीकार करें। संकल्प। हे देवाधिदेव महादेव करुणा सागर प्रभु, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। मैं माया से बद्ध एक जीव हूं, मुझ पर कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आपके नाद ब्रह्म से निकले हुए वेद, पुराण, शास्त्र और उपनिषदों में बिना गुरु के मुक्ति संभव नहीं है, ऐसा वर्णित है। किंतु इस कलिकाल में सद्गुरु का मिलना सदैव ही संदेहास्पद बना रहता है। मैं मन, वचन एवं कर्म से पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से आपको गुरु बनाना चाहता हूं, ऐसी मेरी उत्कट अभिलाषा है। हे कृपा निधान शरणदाता शंकर, आप दया के अथाह सागर हैं, अतः मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करें, स्वीकार करें। भाव विवल हो आपसे ऐसी प्रार्थना है, उसे स्वीकार करें, स्वीकार करें। हे त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। हे वरदानी शंकर, मैं आज से आपके ही निष्कल स्वरूप ओम नमः शिवाय का जप एवं सकल स्वरूप शिवरूप का नित्य ध्यान करूंगा। हे सर्व पाप हरोहर शंकर, आज तक मेरे द्वारा हाथों से, पैरों से, वाणी से, शरीर से, कर्म से, कर्णों से, नेत्रों से अथवा मन से जाने अनजाने में जन्म जन्मांतरों के समस्त पापों को, वे विहित हों या अविहित, उन्हें क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। मुझ शरणागत को निष्पाप कीजिए, निष्पाप कीजिए। आपकी जय हो, जय हो। हे सर्वबंध विमोचन शंभो, आज से मेरी आत्मा आप हैं, बुद्धि पार्वती जी हैं, प्राण आपके गण हैं, शरीर आपका मंदिर है, संपूर्ण विषय भोगों की रचना आपकी पूजा है, निद्रा समाधि है, मेरा चलना फिरना आपकी परिक्रमा है, तथा संपूर्ण शब्द आपके स्तोत्र हैं। ऐसा मानते हुए मुझ अकिंचन पर दया कीजिए, दया कीजिए। हे पशुपतिनाथ सर्वभूत महेश्वर, मेरे माया रूपी पाशों को काट डालिए, काट डालिए। नरक भय से मेरा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। मुझ दुखातर को आनंदित कीजिए, आनंदित कीजिए। मुझे कैवल्य मोक्ष प्रदान कीजिए, प्रदान कीजिए। त्र्यंबक सदाशिव नमस्ते।
नमस्ते नमस्ते, भगवान भोलेनाथ आपकी जय हो, जय हो, जय हो। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो शेयर करें, लाइक करें।